Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay, बच्चे, आप सबने जिन्होंने अपना होमवर्क सेंड किया है उनका होमवर्क बहुत अच्छा था. मैंने कुछ बच्चों का भी चेक कर दिया है, कुछ का रह गया है क्योंकि आज सुबह आया ना. तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक अपना होमवर्क सेंड नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड होमवर्क टुडे पॉजिटिवली. ओके, तो लेट नहीं करना है आपने अपना होमवर्क. सबसे पहले बहुत गलत बात है ये, कुछ बच्चे जो है फटाफट से स्क्रीन के ऊपर मार्क कर देते हैं, तो ये तो बहुत गलत लगता है. बट इट्स ओके अगर उनको लगता है वो ठीक कर रहे हैं तो, बट इट्स रॉन्ग. चलो, तो आज हम आपकी पीटी 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, अपनी बुक खोल लीजिए. आपकी बुक में कविता है सर्दी आई. जल्दी से फटाफट से खोलेंगे सब बच्चे अपनी बुक. आप सबके पास श्योर सब अपने. वेरी गुड, वेरी गुड एंजल. फटाफट अपनी बुक दिखाइए मुझे, बुक खोलिए और मुझे शो कीजिए अपनी बुक. सभी स्टूडेंट्स आपके पास आपकी पेंसिल इरेजर भी होनी चाहिए, फेयर नोटबुक भी होनी चाहिए. वेरी गुड मनोबल, आई हैव सीन योर बुक. अंकिता आप क्या कर रहे हैं बेटा, ओपन योर बुक जल्दी से. सभी स्टूडेंट्स वेरी गुड. हर्षिका आई कैन सी यू, वेरी गुड. लवली ऑल द स्टूडेंट्स हु आर शोइंग देयर बुक, थैंक यू सो मच. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी आज की कविता जिसका नाम है सर्दी आई. अब सर्दी क्या होती है वो आप सबको तो अच्छे से पता है कि सर्दी क्या होती है. सर्दी मतलब ठंड का मौसम. तो ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इसके कवि कौन है, कौन बताएगा मुझे इस कविता के कवि का नाम, जल्दी से, जल्दी से बताइए इस कविता के कवि का नाम. सफदर हाशमी. बेटा आप अपने आप सफदर हाशमी. आपको जो भी आंसर देना वो आप चैट चैट विंडो के थ्रू देंगे. आप अपना जो भी आपका आंसर है आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे. राइट बेटा, चलिए बेटा तो हम आगे करेंगे अब अपनी कविता जिसका नाम है सर्दी आई. और आप एक बार ध्यान से याद रखोगे ये जो आप हमारे कवि हैं, ठीक है, जो भी आपकी कविता है उसके कवि का नाम भी पेपर में आ सकता है. आपने ये नहीं सोचना है कि ये मैम ने ऐसे पढ़ा दिया, नहीं. आप जो भी आपको कविता कराई जाती है, पाठ कराया जाता है, व्याकरण कराई जाती है, तो उससे रिलेटेड आपको आएगा. आपने कवि का नाम भी याद रखना है, पाठ का नाम भी याद रखना है, सब कुछ अच्छे से याद करना है. और जो कहानी है, कविता है, उसके बीच में से भी आपको प्रश्न आएंगे. ठीक है बच्चे, तो चलिए अब फटाफट अपनी कविता शुरू करते हैं. हमारी कविता का नाम है सर्दी आई, मतलब ठंड का मौसम आ गया है. बहुत सिंपल, बहुत इजी कविता है ये, आपको आराम से समझ में आ जाएगी. ठीक है, चलिए. सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई. देखो जी, सर्दी जब आती है तो हमारी वर्दी यानी हमारे कपड़े बदल जाते हैं, है ना. अभी हमने क्या पहना हुआ है, एकदम कॉटन के पतले पतले कपड़े, राइट. लेकिन जब सर्दी आती है तो हमारी वर्दी पूरी तरह से चेंज उतर जाती है. ये वाले कपड़े हम कौन से कपड़े पहनते हैं, हम मोटे कपड़े पहनते हैं,
हम स्वेटर्स पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, जुराबे पहनते हैं, हाथों में क्या पहनते हैं, ग्लव्स जिसको हम बोलते हैं, दस्ताने पहनते हैं। तो क्या हो जाता है, जब सर्दी आती है, सर्दी अपने साथ क्या लेके आती है, ठंड की वर्दी, यानी हमारे लिए अलग तरह के कपड़े पहनने का मौसम लेकर आती है। समझ गए, ठंड की पहने वर्दी आई मतलब ठंड वाले मौसम के कपड़े। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। वह कवि ने कहा है कि जब सर्दी आती है तो सब लोग क्या करते हैं, ढेर सारे कपड़े पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ठंड होती है, फिर चाहे वो दुबले हो चाहे वो तगड़े हो, यानी सेहतमंद होंगे तब भी वो सारे बहुत सारे कपड़े पहनेंगे, और अगर वो दुबले पतले होंगे तब भी वो क्या पहनेंगे, बहुत सारे कपड़े। क्यों पहनेंगे, ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। क्या हो गया, ठंड की वजह से आपने देखा होगा जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे नाक, हमारी जो नाक है उसका रंग क्या हो जाता है, एकदम लाल रंग की हो जाती है। किसकी वजह से, ठंड की वजह से। अब नाक क्यों लाल होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो ठंडी ठंडी हवा है वो कहां से अंदर जाती है, हमारी नाक से अंदर जाती है। इस वजह से हमारी नाक जो है वो सबसे पहले ठंडी हो जाती है। तो उन्होंने बोला है कि नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। जब ठंड आती है तो सब कैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, ठिठुर जाते हैं, ठिठुरते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो वही कवि ने बोला है कि सबकी चाल जो है, सब कैसे ऐसे सिकुड़ सिकुड़ कर, ठिठुर ठिठुर कर चलते हैं, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, कांप रहे हैं। हमारे दांत कांपते हैं ना, जब आप सुबह सुबह स्कूल आते थे तो क्या कांपता था सबसे ज्यादा, हाथ कांपते हैं और दांत कांपते हैं। दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं, और अगर हम कोशिश करें कि हम दौड़ दौड़ के अपने शरीर को गर्म कर लें तब भी क्या होता है, हम हांफने लग जाते हैं, हमारी सांस फूल जाती है। क्यों होता है ये सब, ठंड की वजह से। यहां तक क्लियर है बेटे, क्लियर है तो थम्स अप शो करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, यानी जब सर्दी आती है तो अपने साथ सर्दी वाले कपड़े भी लेकर आती है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। कवि कहते हैं कि चाहे वो दुबला है चाहे वो सेहत वाला है, सबने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। नाक क्या हो जाती है, ठंड की वजह से लाल हो जाती है, और सिकुड़ी यानी सबकी चाल भी जो है वो धीमी हो जाती है ठंड की वजह से। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं। लोग क्या हो रहे हैं, ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, उनके हाथ, उनके पैर, उनके दांत जो है वो कड़कड़ा रहे हैं, सब तरफ ठंड ठंड है। दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं, ठीक है, सांस फूल रही है ठंड की वजह से। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। तो कवि क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग धूप में चले जाते हैं, धूप में बैठते हैं, तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, फिर हमें क्या लगता है, सर्दी लगती है, और छांव में बैठे तो भी सर्दी, और अगर हम अपने आप को छाया में लेके आते हैं तो वहां पर तो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड होती है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, और जब हम रात को रजाई के अंदर घुसते हैं तो रजाई ठंडी होती है, एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लगती है हमें। तो कवि कह रहे हैं कि बिस्तर के अंदर भी सर्दी होती है, और अगर हम बिस्तर से बाहर निकल आते हैं तो बिस्तर के बाहर भी सर्दी ही होती है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। बाहर सर्दी, घर में सर्दी। तो कवि कहते हैं कि जो घर है हमारे, अगर हम घर के अंदर है तब भी हमें क्या लगती है, सर्दी लगती है, ठीक है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, घर के बाहर भी सर्दी है और घर के अंदर आ जाते हैं तब भी हमें सर्दी ही लगती है। पैर में सर्दी, सर में सर्दी, और सबसे ज्यादा हमें सर्दी कहाँ लगेगी, जिन जिन पार्ट्स पे हमने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, उन पार्ट्स पे हम उन उसके शारीरिक अंगों पर हमें ज्यादा सर्दी लगती है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर के जो बाहर भी घर के सर्दी है, घर के अंदर भी सर्दी है, और अगर हम देखें तो जो हमारे पैर जो है वो भी सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, और हमारे सर में भी सर्दी लग रही है, ठीक है। आगे है बच्चे,
इतनी सर्दी किसने कर दी अंडे की जम जाए जर्दी। तो वो कवि कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा सर्दी हो गई है, इतनी ज्यादा ठंड हो गई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंडे की जर्दी, अंडा भी जम गया हो। अंडा अंडा अंडे की जर्दी क्या होती है? जो अंडे के अंदर का भाग होता है। कवि कहते हैं कि इतनी ज्यादा सर्दी है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है अंडे की जर्दी भी जम गई हो। ओके, ना मेरा चल रहा है ना स्कूल का काम। रिकॉर्डिंग ना होने से आपका हो गई है। If I am audible to you, Bhumika, please raise your hand. Hope screen is visible to you now. Okay. Just a second, Rita. Just a second. Chaliye, aage padhenge ab hum.
धूप में दौड़े क्योंकि यहाँ तक हो गया था हमारा, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। तो ये कह रहे हैं कि यदि वहाँ पर घर में है सर्दी अधिक है तब भी उन्हें ठंड लगती है, छोटे हैं तब भी उन्हें सर्दी लगती है, हमारे पैरों में भी सर्दी लगती है और सर में भी सर्दी लगती है। यानी सर्दी के मौसम में हमें हर सिचुएशन में, हमें हर हालत में ठंड लगती ही रहती है और हमारे मन में क्या